टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा वो नाम है जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन, रोल मॉडल और एक नेक इंसान भी हैं। वो शख्स जो अपने परिवार के साथ साथ उस परिवार का भी ख्याल रखते हैं जो उनकी कंपनी में बना है। रतन टाटा 1990 से लेकर 2012 तक टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। रतन टाटा हर जरूरतमंद के लिए हमेशा बाहें फैलाकर आगे आते थे। उन्होंने अपनी करियर जर्नी से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं बल्कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हैं। इनके इस जमीनी जुड़ाव को इनकी ये बातें प्रूव करती हैं जिससे हर किसी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। फर्स्ट, कोविड-19 के दौरान मदद के लिए आगे आए। कोविड-19 के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रतन टाटा ने PPE किट, टेस्टिंग किट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि के लिए 500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। सेकंड, खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए मदद की। आर्थिक तंगी से गुजर रहे स्टूडेंट्स को टाटा ट्रस्ट आर्थिक मदद और स्कॉलरशिप देता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के लिए सीरियस होते हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें JN टाटा एंडाउमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप की ओर से मदद की जाती है। ट्रस्ट द्वारा कई स्कॉलरशिप दी गई है जो स्टूडेंट्स को उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रही है। रतन टाटा का उद्देश्य समाज को शिक्षित करना है, आज के यूथ को सही गाइडेंस देना है, ना कि अपने पैसों से सिर्फ अपनी मदद करना है। थर्ड, 26/11 में हमले से प्रभावित हुए 80 कर्मचारियों के परिवार वालों से रतन टाटा ने पर्सनली मुलाकात की और हमले से प्रभावित परिवारों को मुआवजा, बच्चों की शिक्षा और जीवन भर मेडिकल फैसिलिटीज देने का फैसला किया। साथ ही बिना राशि के परवाह किए सबके कर्ज भी माफ कर दिए, यहाँ तक कि एक वेंडर की 4 साल की पोती की दवा और इलाज करवाया जिसे घटना के दौरान 4 गोलियां लगी थी। यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों और पैदल चलने वालों को भी मुआवजे के रूप में मदद की गई जिनका टाटा ग्रुप से कोई लेना देना भी नहीं था। फोर्थ, स्ट्रे डॉग्स के प्रति प्यार। रतन टाटा को जानवरों के प्रति खास लगाव है। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी फोटो शेयर की थी जिसमें वो होमलेस डॉग्स के साथ बैठकर उन्हें प्यार कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ बॉम्बे में होमलेस डॉग्स के लिए एक एनल रूम बनाया है जिसमें ये स्ट्रे डॉग्स रह सकते हैं। इसके अलावा वो कई NGOs और एनिमल शेल्टर्स को भी डोनेशन देते हैं। फिफ्थ, छोटे बच्चे से मिलने के लिए वापस आए थे। रतन टाटा एक स्कूल की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे जहां बच्चों ने अपने एक दोस्त को जो रतन टाटा से मिलना चाहता था उसे रतन टाटा के आगे धक्का दे दिया ताकि वो उनके पास उन्हें देख पाए, लेकिन टीचर्स ने बच्चों को किनारे कर दिया। रतन टाटा ने उनसे कहा कि वो उनसे बाद में मिलेंगे। फंक्शन पूरा होने के बाद उन बच्चों से मिलने गए और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, है ना। सर रतन टाटा की ये सारी बातें अपने आप में ही हम सबको काफी इंस्पायर और मोटिवेट करती हैं जिसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान हेराल्ड।